नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं अपने इंडोर गार्डन में लगी हुई हूँ। इंडोर प्लांट्स जो हैं वो मैं हफ्ते में एक बार उनको अच्छे से साफ़ करती हूँ और उनकी अच्छे से जांच पड़ताल भी कर लेती हूँ। तो आज इंडोर काम करूँगी, तो बालकनी का काम आज दोपहर को होगा क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो अंदर यहीं पर आज बीतने वाला है। तो सबसे पहले ये मैं स्प्रे करूंगी सारे प्लांट्स पर। हफ्ते में एक बार मैं ये काम कर लेती हूँ, 5-6 दिन में भी कर लेती हूँ, 5-6 दिन या फिर हफ्ते में। और सारे प्लांट्स को अच्छे से इस तरह से स्प्रे करने के बाद इनकी पत्तियों को साफ़ करना, ये मेरा रूटीन रहता है। और इससे एक तो कीड़ा नहीं लगता। पत्तियों पर सबसे ज़्यादा इंडोर प्लांट्स में प्रॉब्लम होती है, जाले जैसे लग जाते हैं जिसकी वजह से पत्तियों पर सिकुड़न हो जाती है और पत्तियों की चमक चली जाती है। तो पत्तियां साफ़ सुथरी रहती हैं, कीड़ा नहीं लगता और पौधे एकदम चमकदार रहते हैं। थोड़ा सा काम तो बढ़ जाता है लेकिन करना ही पड़ता है, तो आज इंडोर ही चल रहा है काम। तो इंडोर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पत्तियों को साफ़ रखना। पत्तियाँ साफ़ रहेंगी तो कीड़े बहुत ही कम अटैक कर पाएंगे और पत्तियाँ एकदम साफ़ सुथरी और चमकदार भी रहेंगी। तो ज़रूरी है कि पहले स्प्रे करके और फिर उनकी पत्तियों को साफ़ कर लें। हफ्ते में एक बार ये काम, जिस दिन आप थोड़ा कम काम हो, छुट्टी हो, उस दिन आप इस काम को कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही टाइम निकाल के हफ्ते में एक बार कर देती हूँ। फिर एक हफ्ते तक ये पत्तियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकदार रहती हैं और जो भी पत्तियों पर किसी भी तरह के इस तरह के जो कोई कीड़ा या फिर कोई जाला वगैरह अगर लगना भी चाहे तो नहीं लग सकेगा। तो पहले स्प्रे करने के बाद फिर पत्तियों को सबको अच्छे से साफ़ कर दें ऊपर नीचे से, तो इनको भी अच्छा लगता है, प्लांट्स को भी, और पौधों पर एक अलग ही तरह की चमक आ जाती है। बिल्कुल ऐसे लगते हैं पौधे जैसे कि आर्टिफिशियल प्लांट हो। तो इस तरह से आप करके देखिए, बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे, प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो सभी प्लांट्स पर ये मेरा रहता है, हफ्ते में एक बार इंडोर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी बास्केट्स हैं इंडोर, सबको उतार के इस तरह से स्प्रे करना। जिनकी पत्तियां हम साफ़ कर सकते हैं बड़ी बड़ी, उनको साफ़ करें। जिनकी पत्तियां बहुत छोटी रहती हैं, जिनको हम नहीं साफ़ कर सकते, जैसे कि एरिका पाम है, तो उस पर खाली स्प्रे ही करती हूँ मैं। तो बड़ी बड़ी पत्तियों को हमें साफ़ करना चाहिए और बड़ी पत्तियों पर ही ज़्यादा हमें कीड़े का डर रहता है। उसके बाद जितनी भी पीली पत्तियां हैं किसी भी पौधे पर, देखकर सबको उनको भी हटा देती हूं क्योंकि वो पौधे की बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही लेती रहती हैं और पौधे पर अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है, सभी पौधों को देखना कि किसी पर पीली पत्ती है तो उसको हटा दें। तो हफ्ते में एक बार ही ये सब काम होता है। तो देखिए, इस पर भी ये पीली पत्ती हो रही है, नीचे की पत्तियाँ एक दो पीली हो ही जाती हैं, तो इस तरह से हटा दें जो दिखने में अच्छी नहीं लगती हैं। और एक रबड़ प्लांट पर भी ये पीली हो रही है पत्ती। चारों तरफ से अच्छे से चेक करें, फिर पौधा पूरी तरह से ग्रीन रहेगा, एकदम सारी पत्तियां बिल्कुल अच्छी होंगी, साफ़ सुथरी और स्वस्थ, तो तभी अच्छी लगती हैं। तो इस पत्ती को भी मैं कट कर दूँगी यहाँ से, ये पीली पत्ती काफ़ी दिन से हो रही है और अच्छी नहीं लग रही है। जो प्लांट्स रह गए हैं उनको भी इसी तरह से साफ कर दूंगी। दोस्तों, ऑर्किड पर इस समय बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, जो कलियां थी वो सारी खिल गई हैं और सफ़ेद वाले पर भी फूल आ रहे हैं और दूसरे वाले पर भी। तो इंडोर बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट जब फूल खिलते हैं। इसके बाद जो भी विंडो वगैरह है वो सब साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि पानी की छींट वगैरह आ जाती हैं। और स्प्रे से पानी देना स्प्रे बोतल से इसलिए सही रहता है कि एक्स्ट्रा पानी नहीं होता। अगर हम बालकनी में भी पाइप वगैरह से पानी दें तो ओवर वाटरिंग हो जाती है और फिर नीचे भी पानी गिरता है बहुत ज़्यादा। तो अब सारा काम हो गया है, सारी सफाई भी मैंने कर ली है। इनमें भी मैं बहुत ही चेक करके देखती हूँ, अगर मिट्टी गीली रहती है तो नहीं देती हूँ, अगर मिट्टी सूख जाती है तो मैं हल्का सा पानी देती हूँ जो मेरे हैंगिंग पॉट्स हैं। अब सब कुछ साफ़ कर दिया है, पौधे भी साफ़ हो गए हैं और विंडो वगैरह सब साफ़ हो गई है, नीचे भी पूरे में क्लीन हो गया है सब कुछ। तो अभी मैं नहाने जाती हूँ, उसके बाद आपको बाहर बालकनी में प्लांट्स थोड़ा सा काम करना है वो दिखाऊंगी।
और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऑर्किड्स के बहुत सुंदर फूल तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ ही देखिए क्रोटोन को जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से देखिए कितनी लंबी पत्तियाँ हो गई हैं, साइड से कितनी अच्छी ये ब्रांच निकली है। इसके अलावा जहाँ पर नीचे पत्तियाँ नहीं थी वहाँ से भी देखिए नीचे से भी एक ब्रांच यहाँ से निकलने वाली है बिल्कुल नीचे से, और एक ब्रांच इसकी साइड से भी निकलने वाली है जहाँ पर पत्तियाँ नहीं थी। तो अब काफ़ी पत्तियाँ हो जाएंगी इस प्लांट पर। तो कोई भी प्लांट अगर शेप में नहीं है, एक ही ब्रांच है या घना नहीं है, तो आप उसको इस तरह से कट कर सकते हैं। सारे प्लांट बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं, शाइनिंग भी बहुत अच्छी रहती है जब हम इस तरह से इनकी सफाई कर देते हैं। तो कुछ प्लांट्स मेरे यहाँ पर भी रखे हैं तो ये लो लाइट में अच्छे से चलते हैं, और ये प्लांट देखिए दोस्तों इतना कलरफुल है लेकिन लो लाइट में बहुत अच्छे से चलता है। इसके कलर भी इतने डार्क हैं फिर भी इसको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पीछे से इसकी पत्तियाँ एकदम बिल्कुल डार्क मैरून और बाहर से ग्रीन और हल्का सा शेड पत्तियों पर है, बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। आपको इसका रियल नेम पता हो तो बताना, वैसे यहाँ पर इसको गंगा जमुना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स रखे हैं। दोस्तों अभी सुबह का काम हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ, उसके बाद अभी थोड़ा सा काम देखिए मेरे जो सदाबहार के जो प्लांट है उसमें नीचे बीज से दो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, तो इनको मैं अलग निकाल के गमले में लगाऊंगी ताकि अच्छे से ग्रोथ करें, क्योंकि छोटा सा ही गमला है ये। विंका के पौधे बीज से भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और कटिंग से भी चल जाते हैं, पर मुझे सीड से ग्रो करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके पौधे अपने आप ही सीड गिर जाते हैं गमले में तो ग्रो हो जाते हैं, और जिस कलर का भी आपका ये रहेगा उसी कलर के ये पौधे उगते हैं। मैंने कई बार इस तरह के बीज से उगा के देखे हैं, जो हाइब्रिड रहते हैं वो भी बीज से उग जाते हैं और उसी कलर के फूल आते हैं जिस कलर का वो पौधा रहता है। तो दोनों पौधे मैंने एक ही गमले में लगा दिए हैं, छोटे छोटे हैं अभी। इसके बाद दोस्तों देखिए अब धूप जो आ रही है, तो मेरा जो बालकनी में है जो सुबह के टाइम धूप पीछे की तरफ रहती है, आगे बालकनी में तो अच्छी धूप रहेगी जब तक धूप रहेगी, लेकिन जो पीछे नीचे की तरफ गमले रखे हैं उनमें जैसे जैसे धूप चलती जाएगी तो धूप आगे की तरफ जाती जाती है, तो उसके लिए मुझे गमलों को आगे पीछे सरकाना पड़ता है डेली। जो ऊपर रखे हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सुबह को सारे गमले थोड़ा पीछे की तरफ सरका देती हूँ ताकि उन सब पर धूप लगे, फिर आगे की तरफ धूप चली जाती है तो सबको जो नीचे रखे हैं उनको सबको आगे की तरफ फिर ऐसे सरका देती हूँ ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके पौधों को उतनी मिल जाए। तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम रहता है, देखते रहना धूप किधर चल रही है और पौधों को भी उधर ही फिर ले जाना। तो इस तरह से ही मैं अपने पौधों को धूप का इंतजाम करती हूँ। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय सिया राम, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी गार्डनिंग।